अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबा कर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इस प्रोसेसर में। आप खास तौर पर यहाँ पे कैमरा और गेमिंग्स के लिए बनाया गया है। ये 2019 में आने की जो 2019 में तिमाही में सबसे पहले आने की जो स्मार्टफोन आने वाले उसमें मिड रेंज प्रोसेसर माना जाता है। ये सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाता है क्योंकि अभी आने वाले जो भी 2019 में फ़ोन लॉन्च होंगे पहले जो तिमाही में उसमें ये फ़ोन आ सकता है। तो ये फ़ोन में ये प्रोसेसर आ सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये ट्रिपल कैमरा को जो मिड रेंज फ़ोन है इसमें ट्रिपल कैमरा का भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। जो आमतौर पर आपको यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस और जो कैमरा के जो मिड रेंज फ़ोन में जो आने वाले हैं इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसा यहाँ पे किफ़ायती आपको यहाँ पे मिल सकता है। और उसके साथ आपको यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे जो आप काम करते हैं तो उसकी मदद से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी बैटरी कम ज़्यादा बचत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे इस प्रोसेसर में दमदार प्रोसेसर यहाँ पे कॉमकॉम ने लॉन्च किया है स्नैपड्रैगन 675। इसमें और फीचर क्या क्या है आप देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा कैमरे का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो कंपनी के निर्माता है जो उसने कहा है कि यह कैमरे में दो के जगह यहाँ पे आप तीन कैमरे का यहाँ पे जो भी यहाँ पे चिपसेट लगा सकते हैं कैमरे प्रोसेस यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। कैमरे के सपोर्ट यहाँ दिए गया है। जो स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर है जहाँ में आपको यहाँ पे ऑक्टोकोर यहाँ पे 205 यहाँ पे एल इमेज सिग्नल प्रोसेसर दिया गया है जिसके जो कि आपकी मदद यहाँ पे ट्रिपल कैमरा को भी सपोर्ट करता है जिसमें आप आने वाले स्मार्टफोन में बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पे कैमरे का यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वाइड एंगल यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप 5x ऑप्टिकल जूम यहाँ पे आप इसका सपोर्ट मिल जाएगा इस प्रोसेसर में। यहाँ पे वाइड एंगल में आप यहाँ पे सपोर्ट करता है जो भी आप यहाँ पे फीचर यहाँ पे दिए गए आपको यहाँ पे स्लो मोशन भी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद आपको AI फीचर यहाँ पे दिए गया है। AI का यहाँ पे फीचर दिए गया है जो आखिरकार यहाँ पे जो मिड रेंज फोन है अभी तक मिड रेंज फोन में AI का सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पे फीचर नहीं देखा गया था लेकिन अब यहाँ पे जो AI का सपोर्ट यहाँ पे दिए गए मल्टी कोर यहाँ पे AI इंजन दिए गए हैं जिसमें बैटरी कंजम्पशन आपको कम खपत होगी। आपकी बैटरी कम आपको लगेगी तेजी से यहाँ पे अनलॉक प्रोसेसर होगा यानी तेजी से आप कनेक्टिव की बात में हो तो अच्छा यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे जो कनेक्टिव दी गई यहाँ पे 8.20 11 AC वाईफाई दिया गया है और ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पे सपोर्ट करना यहाँ पे दिए गए जो कंपनी ने ऐसा बताया है। जो आने वाले 2019 में ये पहले तिमाही में आने की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आने वाले वक्त में आपको यहाँ पे AI का जो मिड रेंज फोन है इसमें आपको AI का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। जो बैटरी की खपत यहाँ पे दी गई है जो बैटरी आपको यहाँ पे मिलेगी ये लगभग यहाँ पे आपको यहाँ पे जो 25% से अब 30% आपको यहाँ पे बैटरी की यहाँ पे आप बैटरी ले सकते हैं यानी बैटरी खपत यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे काम को आपको करने को मिल सकते हैं। जो बैटरी 30% बैटरी यहाँ पे खपत हो जाएगी। जो प्रोसेसर में दो यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिए गए 2 GHz स्कोर 6 जो दिए गए 2 GHz स्कोर दिए गए जो कि 6 लो स्कोर यहाँ पे दिए गए 7.1.7 पे कोर दिए गए हैं जिसमें प्लेटफॉर्म के बेस्ट यहाँ पे आपको मदद प्रोसेसर में गेमिंग्स और मित्र के लिए हो सकती है। यहाँ पे जो कैमरे का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इस प्रोसेसर में लगभग यहाँ पे आपको इस सपोर्ट इसका जो 480 मेगापिक्सल कैमरा का यहाँ पे सपोर्ट करता है यानी अगर आप इस प्रोसेसर में
480 सेंसर वाले कैमरे यहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं। HDR का फीचर दिया गया है यहाँ पे, 72 पिक्सल के स्लो मोशन पर आप वीडियो को भी इसकी मदद से चलाया जा सकता है, जो यहाँ पे 30 फ्रेम सेकंड के हिसाब से आप यहाँ पे स्पीड के से 4K कैमरे की यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में मिड रेंज जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 675, ये आने वाले वक्त में ऐसा बहुत सारे ऐसा काम करने वाला है कि जो आपको यहाँ पे जो स्पेशल फोन रहते थे या सिर्फ फ्लैगशिप फोन में रहते थे इसमें आपको देखने को मिल सकते थे। लेकिन आने वाले साल में पहले ही तिमाही में आपको ऐसा इस प्रोसेसर के जरिए आपको यहाँ पे स्लो मोशन का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, 4K का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे AI जो आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो फीचर है जो कि फ्लैगशिप फोन में मिल जाते थे या फिर ज़्यादा बजट वाले फोन में मिल जाते थे, लेकिन आप जिस प्रोसेसर के मदद से आप यहाँ पे मिड रेंज फोन में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी Qualcomm के Snapdragon 675 प्रोसेसर के बारे में। तो आने वाले वक्त में ये आपको हर फोन में, जब भी 2019 के आने वाले फोन में आपको ये मिल सकता है और वैसे ही धमाका कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।